जैसे हम दलित मुद्दों की बात करते हैं ना कि क्यों महिलाओं को सरपंच बनने का अधिकार दिया गया, क्यों उनको राजनीति में आने का अधिकार दिया गया, क्योंकि महिलाओं के जो मुद्दे थे महिलाओं से बेहतर पुरुष नहीं जान सकते उनके बारे में। कि जब हम बात करते हैं कि दलित मुद्दों पे दूसरे लोग भी काम करना शुरू किए, वो एक बहुत अच्छी पहल है और ये जरूरी भी है, क्योंकि जो डोमिनेट लोग हैं उनका जो प्रोस्पेक्टिव है दलितों को देखने के लिए, डोमिनेट लोग उनको समझा सकते हैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को कि ये जो आपका नजरिया है इनको देखने के लिए इसको चेंज करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि दलितों के मुद्दों पर जो नॉन दलित्स हैं उनको भी सेंसिटाइज होना बहुत जरूरी है और वो उनको आगे आकर के काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो दलित राइट्स पे काम करने वाले कुछ नेटवर्क्स होते हैं उनको लगता है कि दलितों के मुद्दे पर दलित ही ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, तो इस तरह का अनुभव मैंने कई बार महसूस किया, जबकि एक ब्राह्मण होने के नाते मुझे उन मुद्दों में काम करने से एक्सक्लूड किया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये दलित समाज का है तो ये दलित में ही दलित के लिए ही काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर अदर जात का भी है, कोई ब्राह्मण समाज है, कोई दूसरा समाज भी हो, तो वो भी कर सकता है दलित के साथ, क्योंकि समानता का अधिकार, कोई आजकल जाति भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि समुदाय है जो उनके साथ ऐसा हो रहा है, जो कि अशिक्षित लोग हैं उनके साथ ज़्यादा हो रहा है, उनको कानून के बारे में नहीं पता है, जो उनके अधिकार हैं उनके बारे में नहीं पता है, उनको इस बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसे लोग ही उनको बता पाएंगे, क्योंकि वे एक कूप मेंढक की तरह हैं कि वो अपने गांव में ही रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनको बाहर की जानकारी नहीं है। दलित की जो लड़ाई है दूसरे लोग नहीं लड़ सकते, लड़ सकते हैं उन सबका वेलकम है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ना किसी एक के लड़ने से ये समस्या ख़त्म होने वाली नहीं है जब तक सब लोग इसको लेकर के संवेदनशील नहीं होंगे। दूसरा ये भी है कि जिन लोगों को आज तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, जो लोग इससे बहुत दूर रहे हैं, जिनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, मतलब जिनकी जो खुद की कहानियाँ हैं ना उनको भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। महिला मुद्दों पर बहुत समय से काम करते हुए हमने महसूस किया कि सिर्फ महिलाओं को ही हम बहुत समय से जागरूक करते आ रहे हैं, उन्हीं को ही संवेदनशील बनाते आए हैं, लेकिन जो दूसरा जो उनको शोषित करने वाला वर्ग है उसको हम अलग से छोड़ देते हैं। तो उसी तरह से दलितों के मुद्दे पर भी जब तक हम बाकी लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक ये समस्या वहीं की वहीं रह जाएगी। जो भी जैसे महिला कमीशन में, महिला आयोग में कौन महिलाएँ हैं जो जिनके मतलब जिनकी बैकग्राउंड राजनीति से है, या फिर वो महिलाएं जो मतलब बहुत अच्छे लेवल पे जिनकी जान पहचान, पर जो जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो महिलाओं को उन मुद्दों के बारे में अनुभव किया, जो प्रताड़ित हुई है उन समस्याओं से, वो क्यों नहीं है वहाँ पे? क्योंकि जिनके जो मुद्दे हैं ना उनको बोलने के लिए प्लेटफॉर्म है ही नहीं है, तो उनके राइट पे कैसे कानून बन सकते हैं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है वो पेन का कि क्या दर्द होता है, कास्टिज्म का क्या दर्द है। एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के कारण दलित मुद्दों पर काम करते हुए मेरे कुछ अपने अनुभव रहे हैं, जैसे कुछ नेटवर्क हैं जो कि दलित राइट्स पर काम करते हैं, तो वो उनको उनमें जब मैंने उनके साथ मिलकर जब काम करना शुरू किया तो उन्हें लगता था कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मैं इन मुद्दों में काम अच्छे से काम नहीं कर सकती, तो मुझे लगता है तब मुझे वहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेटरी फील हुआ, मुझे लगा कि मेरे साथ भी भेदभाव हो रहा है, और मैंने महसूस किया कि जब जातिगत रूप से भेदभाव होता है तो कैसा महसूस होता हुआ। मेरा अनुभव जहाँ तक है कि जब मैं दलित समुदाय के लिए काम कर रहा हूँ तो उसमें मैंने ये देखा कि जो हमारे दलित बच्चे हैं वो पहले पढ़ नहीं पा रहे थे, और आज के टाइम में कि जितने भी ड्रॉप आउट बच्चे हैं वो डेली स्कूल जा रहे हैं, और जो युवा हैं वो काम भी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर बाहर मीटिंग में लेके गया था मैं 2-3 बार, उनको बाहर जाकर जानकारी मिली, उनको जागरूकता पता लगा, जागरूकता क्या होती है, अधिकारों के बारे में पता लगा। अभी इतने दिन के बाद अभी कुछ मुझे लग रहा है जो कुछ चेंज हो रहा है, और वो चेंज जो आज हम लोग यहाँ पे है एंड वी आर द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, जहाँ पे मुझे लग रहा था हम ही सिर्फ लड़ रहे हैं हमारे इशू को लेकर, पर इतना वैरायटीज़ है। मैं दलित इशू को देखा, मैंने सेक्स वर्कर इशूज़ को देखा, मैं चाइल्ड इशूज़ को देखा, और उसके साथ मुझे लगा इस अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ नेटवर्किंग, जहाँ से हम लोग एक नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं जो हम जैसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जहाँ पे एक हो जाए। ओके हमें ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. நான் ஒத்துனங்கியா இருந்து நான் வெளியேற்றப்பட்டு செக்ஸ் தொழில் வந்தேன். வந்த எனக்கு வந்து இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சி ரொம்ப நான் சந்தோஷப்படுறேன். திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி சமுதாயத்தில் நிறைய பேர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்ருக்காங்க, ரொம்ப
அவமானப்பட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல ஒரு நேமுக்காக நாங்கள் வந்து திருநங்கைகள் அங்கே போராடிட்டு இருக்கோம் நல்ல நேம் கிடைக்கணும்னு போராடிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து எங்களை டெல்லி லெவலில் வந்து நாங்கள் எங்களுடைய சேவைகள் நாங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்ன போடுறதுக்கு திருநங்கைகளும் எல்லாருமே இந்த அளவுக்கு ஆகணுங்கிறத ரொம்ப நான் ஆசைப்பட்றேன் எல்லாருமே நல்ல ஒரு நேமோடு வாழணும் செக்ஸுவலில் விட்டு விடுபட்டு சமுதாயத்தில் நல்ல ஒரு நேம் அவங்களுக்கு இருக்கணும் நல்ல ஒரு நேமோடு அவங்க வந்து வாழணும் அப்படிங்கிற பற்றி நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அதை வச்சு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவங்க நிறைய அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் செக்ஸுவலிலிருந்து இந்த அளவுக்கு நான் வளர்ந்து வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்ததுக்குன்னா ரொம்ப 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 நான் சந்தோஷப்படுறேன் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி இதை பார்த்து என்னோடய பெற்றவங்க என் வீட்டை விட்டு என்னை ஒதுக்குனவங்க ரொம்ப இதை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எல்லாத்துலேயும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா ரொம்ப நான் சந்தோஷப்படுறேன் நான் வெற்றியை நான் அடைஞ்சிருப்பேன் நினைக்கிறேன் அஸ் அ ட்ரான்ஸ் உமன் யா ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டி கோ ரிப்ரெசென்ட் கர் ரே ஆர் ஏ ஏக் ஓப்பனிங் தா கியூக்கி ஏ பிளாட்ஃபார்ம் ஹமே மிலா கியூக்கி முஜே லகா ஜோ ஹமாரே காம் கோ பி கோய் மஹத்வ தே ரஹா ஹே சமாஜ் மே